काशीपुर से रामनगर को जाने वाला जो ये हाईवे है, कॉर्बेट की तरफ को जो ये रोड जा रही है, इसकी हालत जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। आपको बता दूं, हाल ही में यहाँ पे डामरीकरण का कार्य किया गया था, जनता से वाहवाही लूटी गई थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि बारिश के 3 दिनों के अंदर ही इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। आप देख सकते हैं पूरी सड़क में गड्ढे ही गड्ढे इतने ज्यादा हैं कि समझ नहीं आ रहा कि आखिर सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है खड़ा हो रहा है कि सड़क जो है इसकी हालत इतनी बुरी स्थिति में है, आखिर कब तक ये हालत ऐसे ही रहने वाली है। जो आने जाने वाले यात्री हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कॉर्बेट को जाने वाला ये जो रास्ता है, यहीं से जो ट्रैवलर्स हैं वो भी यहीं से जाते हैं, जितने भी लोग हैं वो यहाँ से ट्रैवल करते हैं, जिन्हें आते जाते बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इतने गहरे गहरे गड्ढे हो चुके हैं कि किसी भी दुर्घटना के लिए हम कह सकते हैं कि कौन जिम्मेदार होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर यहाँ पर कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए किसको दोषी माना जाए। ये पूरी सड़क जो है इतने समय से यहाँ पर कार्य चल रहा है, अभी तक ये पुल का निर्माण जो चल रहा है, तो यहाँ ये जो रोड है बहुत ही बुरी स्थिति में है, तो आखिर होना क्या है। आप देख सकते हैं आगे गाड़ियाँ जो जा रही हैं उन्हें इतने गड्ढों में होके गुजरना पड़ रहा है, लगातार गाड़ियाँ गड्ढों में उतर रही है, तो आखिर कब तक ये चलता रहेगा और कब तक स्थितियाँ ऐसी ही बनी रहेंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि चलने की भी जगह नहीं है, ये डर बना रहता है कि कहाँ पर कौन गिर जाए, क्या हो जाए, कोई हादसा हो सकता है। पूरी सड़क की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कब तक ये रास्ता जो है ये इसी तरह से रहने वाला है और कब इसको सुधारा जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कितना गहरा गड्ढा है, गाड़ियों के गिरने की बहुत बड़ी यहाँ पे एक समस्या है। आपने जैसे कि देखा कि अभी हमारी गाड़ी जो हमारे चैनल की है वो भी वैन यहाँ से निकली है, और निकलना बहुत ही मुश्किल था, यहाँ पे सारे इतने बड़े बड़े गड्ढे हुए हुए हैं। मैं फिर बताना चाहूंगी, समझ नहीं आ रहा है कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। आप देख सकते हैं सभी यात्री जो है उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे स्कूल जाने वाले बच्चे हो या फिर आने जाने वाले यात्रीगण, सभी को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा कि एक बहुत बड़ी समस्या है कि रोड जो है अभी तक नहीं सुधरी है। सुराग लाइव न्यूज़ चैनल से मैं ऋषि भारद्वाज। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।